अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुलरऊफ। अब्दुलरऊफ भाई, क्या करते हैं आप? जी क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। प्राइवेट जॉब करते हैं आप? बेसिकली सरगोधा से हैं या कहीं और से हैं? जी इधर ही सरगोधा से। सरगोधा से हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जलसा अभी हो रहा है, ये कामयाब जलसा होगा या? बहुत ज़्यादा कामयाब, इंशाल्लाह। कब से आए हुए हैं यहाँ पे? जी कब से आए हुए हैं यहाँ? मुझे हो गया घंटा हो गया है। घंटा हो गया अभी, माशाल्लाह लोग तो काफ़ी आ चुके हैं। तो आप क्या कहेंगे आम पब्लिक को? मैं यही कहूँगा कि मुझे छुट्टी भी नहीं मिली, फिर भी मैं उधर से भाग के काम छोड़ के फिर भी जलसे में आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म होगी और इमरान खान की दोबारा हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ रहमान। आसिफ रहमान, कहाँ से आए आप? कोट मोमन से। कोट मोमन से आए आप? कितने लोग आए हो आप? हम गिनती तो नहीं थी, तकरीबन कोट मोमन जो शहर है उससे तकरीबन 7-8 हज़ार आए हैं शहर के अंदर से। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि जो देहातों से लोग आते हैं उनको पैसे दे के लाया जाता है, तो आपको पैसे दिए गए हैं? मेरी तो अभी पॉकेट चेक कर लें, झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। वैसे भी ये जो झूठे अफवाहें फैलाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं देते। ये जज्बा है, जुनून है, लोगों की मोहब्बत है जो आ जाते हैं। तो नवाज शरीफ के वो जलसों में कहा जाता है कि वो पैसे लेके जाते हैं, ऐसा हमने सुना भी है, देखा भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जलसा कुछ बड़ा दिखाएगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह बहुत ही रंग लाएगा ये जलसा। अभी सरगोधा में पहली दफ़ा ये इमरान खान आ रहा है, तो इंशाल्लाह शायद, हाँ शायद दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा तो वैसे विजिट के लिए आए थे, जलसे में पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कोट मोमन से कितने लोग आए हैं? तकरीबन 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार लोग हैं, बहुत ज़्यादा है। मैं, मेरी इतनी की वो कहते हैं मैथ अच्छी नहीं है, हम बहुत जलील हो गए यकीन जाने, लेकिन 4-5 किलोमीटर हम पैदल चले हैं। मैं ज़िंदगी में इतना पैदल नहीं चला, 5-6 किलोमीटर हम पैदल चले हैं तब हम इधर स्टेडियम में पहुँचे हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों आप पैदल चले हैं? मोहब्बत है बस, इमरान खान से मोहब्बत है। वो इस्लाम के लिए बोलते हैं, अल्लाह एक है वो कहते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं वो कहते हैं। वोट बना हुआ है आपका? हाँ, मेरा वोट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 23 है एज, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वोट इंशाल्लाह इमरान खान को दूंगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फाहद। अच्छा फाहद भाई, कहाँ से हैं आप? मैं बलवाल से आया हूँ। क्या आप बलवाल से आए हैं? जी। तो मुझे आपकी एज देख के लग रहा है कि आपका वोट अभी तक नहीं बना होगा। जी नहीं बना हुआ अभी। तो फिर क्या करने हैं यहाँ पे? भाई हाँ, मैं इमरान खान को मतलब दिल से मोहब्बत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, क्योंकि ना देख सकते हैं कि ना मैंने जब अपनी अंदाजे में जब जाहिर किया ना कि शहबाज शरीफ लोग जब भी आते हैं कि मेरे दहशत गर्दी वगैरह ना हो जाती है, अभी सैलाब का आजकल बना हुआ है, तो मेरे हिसाब में जो इनकी जो मतलब जितने भी मतलब मैं कह दूँ अगर के गुनाहगार लगा लें जो भी लगा लें, तो ये शहबाज शरीफ लोगों को सुधा। इमरान खान जब था ना तो मतलब 4 साल तकरीबन गुजर गए इमरान खान के, तो मतलब आवाम बिल्कुल सुकून में, सुख में, दहशत गर्दी का कोई नहीं, ऐसे कोई ना सैलाब वगैरह का मतलब सही था। तो वैसे मैं बलवाल से आ रहा था, तो ना काफ़ी सारी आवाम बलवाल से भी सही आई हुई थी। उम्मीद है मुझे कि ना अभी इधर इर्द गिर्द का माहौल सही और जोश जज्बे से उठ जाएगा। अच्छा, अब सैलाब की बात करें, सैलाब जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पहले भी दुनिया में आती रहती है, लोग ऑलरेडी इससे नॉन है। तो इमरान खान के दौर में एक वबा आई थी कोरोना की, वो दुनिया में पहली बार आई थी, तो वो क्या उसके खाते में नहीं आती? नहीं, वो मतलब अगर देखा जाए तो मेरे मुताबिक ना, अगर मैं अपनी जगह बताऊँ तो मेरे मुताबिक ये भी कोई स्कीम वगैरह थी इन हुक्मरानों की मतलब, लेकिन इमरान खान ने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब ना कोरोना का अच्छे तरीके से खात्मा कर लिया था, काब कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अभी इन लोगों ने आपस में लड़ झड़ के ये वगैरह करके, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान फिर से अमन और सुकून और दोबारा से आएगी, मुझे उम्मीद है, बाकी का पता नहीं। अच्छा, तो आपका वोट कब बनना है? इंशाल्लाह अगले साल से। अगले साल से? फिर अगले साल वोट कास्ट कर सकेंगे? इंशाल्लाह मैं कास्ट करूंगा और इमरान खान को ही करूंगा। तो अगर अगले साल से पहले इलेक्शन होगी तो फिर क्या करेंगे? तो मैं अपने भाइयों को इकट्ठा करूंगा कि वो इमरान खान को वोट डालें जो मुझसे हो सका। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं इस टाइम जो आया हूँ सरगोधा से आया हूँ, सरगोधा ताल्लुक रखने वाला प्रवेश मेरा नाम है, ये सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत के लिए आया है। वैसे पर वीडियो क्लिप ना लें। काम क्या करते हैं? मैं फ्री होता हूँ। कोई जॉब वगैरह नहीं करते या स्टडी वगैरह कुछ? नहीं, कोई जॉब नहीं करता। बना हुआ है आपका? वोट बना हुआ है मेरा सर।
पिछली बार किसको वोट कास्ट किया था? इंशाल्लाह जो मेरी जो मोहब्बत है इमरान खान के साथ है, इंशाल्लाह उनको ही वोट देना है। यार दुनिया में एक अच्छा लीडर है ही वो, इस टाइम नोटे वगैरह तो वैसे ही फिर रहे हैं। नहीं और भी बहुत सारे लीडर हैं, आपको क्या खूबी नजर आती है इमरान खान में कि वो अच्छा है? उनकी एक तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ये एक बहुत पसंद है, और जब भी वो अपना जिस बयान से नाम शुरू करता है या कना दुआ कना से शुरू करता है, ये एक अच्छी खासियत उसकी। अच्छा जो मौजूदा हुक्मरान है वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिन क्राइसिस से गुजर रहा है वो इमरान खान की वजह से है, आप क्या समझते हैं? नहीं नहीं गलत बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं इस तरीके से, ऐसा बंदा है ही नहीं वो, एक पाकिस्तान में वाइल लीडर एक वो ही है जिससे मोहब्बत है हमें। नहीं हम लोगों ने देखा है कि जब इमरान खान आए थे महंगाई ज़्यादा हो गई थी, वो सारी चीज़ें भी बढ़ गई थी, ये तो फिर इतनी तो इमरान खान ने 3 सालों में नहीं की जितनी दो महीनों में इन्होंने कर दी है। इतनी तो 3 सालों में महंगाई नहीं इमरान खान ने की जितनी उन्होंने 2 सालों में महंगाई कर दी है। चलें ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।